हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के अपकमिंग ओपी 46 अपडेट के बारे में। अपडेट कब आएगा, अपडेट कितने एमबी का रहेगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जो की पिंक वेंडिंग मशीन का है। गाइस, अपडेट के बाद पिंक वेंडिंग मशीन हमारे गेम से हमेशा के लिए रिमूव होने वाला है, क्योंकि पिंक वेंडिंग मशीन से बहुत सारे लोग अपनी पूरी टीम को रिवाइव कर लेते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि पिंक वेंडिंग मशीन हमारे गेम से पूरी तरह गायब होने वाला है। ये सुनकर AWM चलाने वाले प्लेयर्स को भी काफी बुरा लगने वाला है, क्योंकि AWM वैसे ही गेम में काफी कम मिलता है। एक ही जगह थी जहाँ पर AWM हर बार मिलता था, जो कि थी पिंक वेंडिंग मशीन। ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो हमारा सेकंड अपडेट होने वाला है एयर ड्रॉप को लेकर, जो की बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। अपडेट के पहले अगर आप कहीं पर एयर ड्रॉप डालते थे या एयर ड्रॉप गिरता था, तो अगर आप उसके नीचे आ जाते थे तो आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते थे। और अपडेट के बाद अगर आपके ऊपर ड्रॉप गिरता है तो भी आप एलिमिनेट नहीं होंगे, आपको सिर्फ 30 का डैमेज लगेगा। अब बढ़ते हैं थर्ड अपडेट की तरफ, जो कि होने वाला है पोर्टल गो को लेकर। गाइस, अपडेट के बाद जब आप पोर्टल लगाओगे ना, तो आपको टेलीपोर्ट होने में 2.5 सेकंड का समय लगेगा। दूसरी चीज जो पोर्टल में रिड्यूस कर दी गई है वो है उसकी रेंज। अपडेट से पहले अगर आप पोर्टल लगाते थे तो आप उससे 100 मीटर तक दूर जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 80 मीटर तक ही आप दूर जा सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के अपडेट के बारे में। अपडेट के बाद BR रिंग के अंदर बहुत सारी जगहों पर आपको हेलीकॉप्टर के कुछ ऐसे मार्क देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास बोया पॉइंट होने चाहिए 4000, मतलब आप बंदों को मारोगे या सर्वाइव करोगे तो आपके बोया पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो आप हेलीकॉप्टर को उठा सकते हो और मैप में 4 मिनट तक कहीं भी जा सकते हो। इससे आप बीमा शक्ति के टावर पर भी चढ़ सकते हो, लेकिन फायर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अपडेट नंबर 5 के बारे में। ये अपडेट होने वाला है रिवाइवल पॉइंट के लिए। अपडेट से पहले हमारे गेम में रिवाइवल पॉइंट 10 मिनट तक रहता था, 10 मिनट बाद लास्ट जोन आता था और सारे रिवाइवल पॉइंट हट जाते थे। लेकिन अपडेट के बाद रिवाइवल पॉइंट हमारे गेम में 12.5 मिनट तक रहने वाला है। साथ ही एक और खतरनाक अपडेट निकल कर आ रही है, अब आपका रिवाइवल पॉइंट 25% ज्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो ये अपडेट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और OP46 अपडेट हमारे गेम में 4 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।